जिस टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो यहाँ पे जब रिवॉल्व करेगा तो रिवॉल्व करने से वहाँ पे क्या होगा, चार्ज तो फ्लो कर ही रहा है तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगी। तो हमने सपोज कर लिया कि एक इलेक्ट्रॉन आर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी वी। सो करंट कितनी प्रोड्यूस होगी इन वन रिवॉल्यूशन, चार्ज की वैल्यू ई और वन इन वन रिवॉल्यूशन टाइम इज टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड आप इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्कमफ्रेंस वन रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी, वेलोसिटी है वी, और इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ रिप्लेस करता हूँ तो आई की वैल्यू ये आ जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो एक करंट लूप की तरह बिहेव करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके रेडियस आर है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ करंट लूप ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग इसका डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड करें तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम इज इक्वल टू फॉर्मूला आई इंटू ए, और आई की वैल्यू हम लोग ने फाइंड करी थी ई वी अपॉन टू पाई आर और ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप कैंसिल करेंगे पाई से पाई, आर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एम इज इक्वल टू फॉर्मूला आएगा ई वी आर अपॉन टू। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में जो डायरेक्शन होती है वो एरिया वेक्टर की होती है। और मैंने आपको बताया था कि एरिया वेक्टर की यहाँ पे जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो हम लोग राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप आई से फाइंड करते हैं तो ज़रा देखिए, इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो करंट आपकी कैसे रोटेट, करंट कैसे फ्लो करेगी, करंट आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ये आई की डायरेक्शन हो गई। और अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इस प्लेन के वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, किसके डाउनवर्ड, प्लेन ऑफ लूप। ठीक है, अब एक पॉइंट इसमें और हम लोग डिस्कस करेंगे इसी में, इलेक्ट्रॉन का मास अगर मैं m ले लूं और वेलोसिटी v है, रेडियस आ रहा है, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर एक हमारा क्या जनरेट होगा, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था j, और j का फॉर्मूला क्या होता है, j इज इक्वल टू एम वी आर, ये मास इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो जे की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर अपवर्ड टू दी प्लेन, इट मींस दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पे अगर हम लोग एम अपॉन एम और जे का रेशियो फाइंड करें तो एम अपॉन जे करेंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा ई अपॉन टू एम ई, ये हमारा इसकी रेशियो आएगा। तो मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है तो ई अपॉन टू एम ई इंटू जे, ये तो स्केलर फॉर्म में हो गया। और अगर वैक्टर फॉर्म में लेंगे तो एम और जे एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, हो कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। माइनस साइन आपको साफ साफ बता रहा है कि वेक्टर एम इज डायरेक्टेड अपोजिट टू वेक्टर जे, क्लियर, ओके। यहां पे इसके बाद अगर और डिस्कशन करना है, इसके बाद एक डिस्कशन हम लोग इसमें और करेंगे जिसमें जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी आई होप कि ये समझ में आएगा आप लोग को, देखिए वीडियो, और जो डाउट हो मुझसे पूछिए।